सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, मैंने अपना पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करके रखे हैं। सिंपली यहाँ पर मैं बैलेंस एंड हिस्ट्री वाला सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, मेरा जैसे कि आप लोग लास्ट ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं जो कि गाइस 10 रुपये का हुआ, ठीक ना। और गाइस मेरा आप लोग जैसे कि पूरा का पूरा मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक का बैलेंस को भी जैसे कि देख सकते हैं जो कि गाइस 371 रुपया, ठीक ना। तो चलिए सिंपली यहाँ पर और एक बार मैं आपके सामने लाइव इसे मैं रिफ्रेश कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि रिफ्रेश करने के बाद भी जैसे कि मेरा 10 रुपया का ट्रांजेक्शन है और गाइस आप लोग बैलेंस को भी जैसे कि देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लाइव आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर मैं विड्रॉ करके दिखाते हैं। इसके लिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर मैं सेटिंग्स वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ और गाइस यहाँ पर मैं माई वॉलेट वाला सेक्शन पर क्लिक करके एक विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं 15 रुपया डाल देता, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं 15 रुपया डालने के बाद सिंपली मैं सबमिट वाला सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। सो गाइस जैसे मैंने क्लिक किया, मेरा ट्रांजेक्शन जैसे कि प्रोसेसिंग में बता रहा है, लेकिन गाइस मेरे को ऊपर से नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपके वॉलेट में जैसे कि देखते हैं पूरा का पूरा जो कैशबैक यहाँ पर रिसीव हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर मैं सिंपली इसको मैं यहाँ पर मैं लाइव आपके सामने जैसे कि मैं रिफ्रेश कर देते हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने बूम का जैसे 15 रुपये का वहाँ से विड्रॉ लगा, मेरे को 7 रुपये का कैशबैक जो कि रिसीव हो चुका है। सो गाइस मेरे को 7 रुपया क्यों कैशबैक रिसीव हुआ, सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताएंगे डिटेल में। तो दोस्तों जैसे कि देखते मेरे को इंस्टेंट मेरे को पेमेंट रिसीव हो चुका है। सो हेलो गाइस, कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्किल लूडो ऐप से पैसे कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन में सभी भाइयों जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट के अर्निंग करने वाले हैं, और गाइस जहाँ पर जो भी अर्निंग कीजिएगा उस पैसे को डायरेक्टली जो कि अपने जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली वहां से आप लोगों को वहां से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे ओपन कीजिएगा तो दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहां पर आप लोगों को सबसे पहले यहां पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं नीचे सर में एक साइनअप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको साइनअप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको आई एग्री वाला सेक्शन में फिर से क्लिक करना है तो कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आप लोगों को करना है कि अपना नेम दे देना है, एक ईमेल आईडी दे देना है, अपना फोन नंबर देना, उसके बाद पासवर्ड, ठीक है। वही पासवर्ड को आपको दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको रेफरल कोड, ठीक है। अगर गाइस मैं बता दूंगा आप लोग रेफरल कोड नहीं देते हैं तो दोस्तों आपका साइनअप वाला ऑप्शन पर क्लिक नहीं होगा, ठीक है। रेफरल कोड देने के बाद सिंपली नीचे सर में आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आएगा, आप लोग जहाँ से है अपना स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको जो कि सबमिट कर देना, ठीक है। जो कि गाइस यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएटेड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसमें आपको साइनअप के तौर पर इसमें आपको कुछ भी अमाउंट जो कि नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अभी का मेरे वेलेट में जैसे कि देखते हैं पूरा पूरा 20 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सोचिएगा कि मैं 15 रुपये का विड्रॉ किया तो इसका जो मतलब 8 रुपया जो कि चार्जिंग ही काट लिया। तो दोस्तों क्यों काटा सब कुछ यहाँ पर मैं आपको डिटेल में शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि देखते हैं मेरे वॉलेट में अभी जो कि मतलब 20 रुपया पड़ा हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 1 भी रुपया शो नहीं करेगा। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को करना क्या, अगर यहाँ पर अर्निंग करना चाहते हैं तो दोस्तों विदाउट इन्वेस्टमेंट के आप लोगों को एक रेफरल का सेक्शन मिलेगा। आप लोग का जो रेफरल करके जो कि आप लोग यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, जो कि आपको टीम बाय टीम आपको मिलेगा। जैसे आपके फ्रेंड रिचार्ज करेगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर अपना मर्जी से लूडो गेम्स को प्ले करना चाहते हैं तो ऊपर साइड में एक ऑप्शन मिलेगा जैसे कि देखते हैं प्ले वॉलेट, ठीक है। सिंपली आपको इसके प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। सो दोस्तों मिनिमम आप लोग 25 रुपये से डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने काफ़ी सारे जो कि ऑप्शन आ जाएगा, कहीं पर भी जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कहीं से भी आप लोग जो कि यहाँ पर मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं अभी डिपॉजिट नहीं करने वाले, मैं आप लोगों को केवल बता दिए हैं, अगर अपना मर्जी से करना चाहते हैं आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब गाइस जैसे मान लीजिए आपने डिपॉजिट कर लिया, यहाँ पर आप लोगों को गेम्स को प्ले करना है तो इसके लिए गाइस यहाँ पर आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेगा, एक ग्लोबल का मिलेगा और एक फ्रेंड का मिलेगा, ठीक है। सिंपली ग्लोबल मतलब होता है कि ऑनलाइन प्लेयर, ठीक है। तो दोस्तों मिनिमम आप लोग 10 रुपया लगा करके जैसे कि देख रहे थे 18 रुपया आप लोग विनिंग कर सकते हैं। अगर अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर आप लोग प्लस के आइकन पर क्लिक करके अमाउंट को जो कि बढ़ा सकते हैं, जैसे कि देखते इस पर क्लिक कीजिएगा आप लोगों का अमाउंट यहाँ पर जो कि बढ़ता चला जाएगा। सो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी आप लोगों को सामने कुछ यहाँ पर प्लेयर जो कि 0 ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसमें आप लोगों को प्ले करना होता तो आप लोगों को ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अभी जैसे कि 25 रुपये वाला जो कि यहाँ पर बंदा जो कि अभी ऑनलाइन है, अगर 25 रुपये का प्ले करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप लोग गेम्स को प्ले कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को ऊपर से नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो दोस्तों जिस टाइम इसमें ऑनलाइन रहेगा प्लेयर आप लोगों को वहाँ पर शो कर जाएगा ऊपर से नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप लोग फ्रेंड का जो ऑप्शन मिलता है आप लोग फ्रेंड वाला मतलब प्ले नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। मिनिमम इसमें भी आप लोग 10 रुपया लगा करके अपना जो कि टीम को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगर अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं इसमें 25 रुपया लगा करके भी 45 रुपया विनिंग कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि क्रिएट बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर जैसे कि देखते अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रूम कोड दिया जाएगा, ठीक है। उस कोड को अपने साथ की मतलब फ्रेंड के साथ शेयर करना है आपको। आपका फ्रेंड जैसे ज्वाइन वाला सेक्शन पे क्लिक करेगा, उस कोड को सिंपली देख करके यहाँ पर आपके सामने ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पर जो कि लूडो गेम्स को प्ले कर लेगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप लोग जो कि यहाँ पर लूडो गेम्स को प्ले करके अर्निंग कर सकते हैं। अब गए जहाँ पर आप लोग जो भी अर्निंग कर लीजिएगा उस पैसे को आप लोगों को यहाँ पर विड्रॉ कैसे करना है। विड्रॉ करने से पहले दोस्तों एक सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है नीचे साइड में, आप लोग सपोर्ट वाला सेक्शन पर क्लिक करके जो कि गए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने जो कि अपने यहाँ पर मतलब कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। अब गाइस पैसे को विड्रॉ करने के लिए नीचे साइड में एक इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप लोगों को इन्फो वाला सेक्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक व्यू वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जो कि अपना पैन कार्ड नंबर देना होगा और अपना यू पी आई आई डी, इसके लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी जो कि अपना यू पी आई आई डी को दे चुका हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि जैसे कि देख सकते हैं अगर गाइस यहाँ पर 10 रुपया का विड्रॉ करते हैं तो दोस्तों इसमें आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा, मतलब सीधा सीधा अमाउंट को अगर विड्रॉ कीजिएगा इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए 15 रुपया का विड्रॉ कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 8 रुपया काट लिया जाएगा जैसे कि देख सकते हैं। और गाइस अगर 101 रुपया का विड्रॉ कीजिएगा तो दोस्तों इसमें आपको 11 रुपया का चार्जिंग काटा जाएगा। अगर 100 रुपया का विड्रॉ कीजिएगा इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रख लेना कि आप लोग जैसे कि सीधा सीधा अमाउंट को विड्रॉ करना, जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया इस तरह से करके आप लोग विड्रॉ करना। इसका मिनिमम रिडीम जो है यहाँ पर ओनली मन जो कि 10 रुपया रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे विलेट में 20 रुपया पड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर मैं 20 रुपया को फिलअप करता हूँ। ओके 20 रुपया फिलअप करने के बाद दोस्तों मैं सबमिट वाला सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। सो दोस्तों जैसे कि देखते हैं मेरा विड्रॉ जो कि ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में जा चुका है और गाइज मेरे को ऊपर से जैसे कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि यहाँ पर 12 रुपया का जैसे कि मतलब जो कि यहाँ पर रिसीव हो चुका है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जैसे कि देखते हैं फर्स्ट टाइम के लिए अगर 10 रुपया का आप लोग मतलब यहाँ से विड्रॉ कीजिएगा आपका चार्ज नहीं काटा जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिलहाल मेरे को ख्याल से लग रहा है कि 8 रुपया आपको पर ट्रांजेक्शन जो कि आपको चार्ज देना होगा मिनिमम अगर 100 रुपया तक विड्रॉ करते हैं तब। तो चलिए यहाँ पर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस मेरे को फिर से जैसे कि देखते मेरे को 12 रुपया का कैशबैक जो कि रिसीव हो चुका है 8 रुपया काटने के बाद, क्योंकि दोस्तों मैंने 20 रुपया कहाँ से मैंने विड्रॉ लगाए और गाइस मेरा 8 रुपया ट्रांजेक्शन काटने के बाद मेरे को 12 रुपया का कैशबैक रिसीव हो चुका है। सो गाइस तीनों का तीनों जो कि ट्रांजेक्शन है आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हैं एक ही एप्लीकेशन जो कि मैंने विड्रॉ किए। फर्स्ट में गाइस मैंने जो कि 10 रुपया का विड्रॉ किया मेरे को 10 रुपया का कैशबैक रिसीव हो चुका है बिना कोई चार्ज काटे हुए। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि फर्स्ट में अगर विड्रॉ कीजिएगा 10 रुपया का आपको कोई भी चार्ज जो कि नहीं काटा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो कि यहाँ पर चार्ज देना पड़ता है, जो कि दोस्तों इस एप्लीकेशन का मैं पूरा का पूरा रियलिटी में शेयर कर दिए और पूरा डिटेल भी शेयर कर दिए। उम्मीद करता आप लोगों की वीडियो पसंद है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं।